मुरादाबाद शहर की पोष कॉलोनी टीडीआई सिटी में निर्यातक के घर में सरेआम 5 डकैत घुस गए। डकैतों ने रसोई में काम कर रही निर्यातक की पत्नी की कनपट्टी पर तमंचा रखकर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन सामने के कमरे में मौजूद पुत्रवधू ने पड़ोसन को फोन कर दिया। पुलिस के आने के खौफ से डकैत फरार हो गए। घटना पुलिस चौकी से 500 मीटर दूरी पर हुई है। डकैतों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। घटना से कॉलोनी में दहशत है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की टीडीआई कॉलोनी में शिव मंदिर के सामने B62 गायत्री निवास में रहने वाले उमेश गुप्ता निर्यातक हैं। वीरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ओम इंटरप्राइजेस के नाम से उनकी पीतल फर्म है। दीपांशु गुप्ता, हिमांशु गुप्ता और सबसे छोटे दिव्यांशु गुप्ता उनके 3 बेटे हैं। गुरुवार को घर में उमेश गुप्ता की पत्नी लता गुप्ता और बेटे हिमांशु की पत्नी सोनल गुप्ता के अलावा नवीन नगर में रहने वाली नौकरानी शमा थी। लता गुप्ता ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे शमा घर से बाहर लोबी में सूख रहे कपड़े ला रही थी। इसी बीच एक होंडा सिटी कार निर्यातक के दरवाजे पर रुकी। उसमें से 5 लोग उतरे। एक व्यक्ति ने शमा को आवाज देकर रोक लिया, कहने लगा हमें मैडम लता गुप्ता से मिलना है। शमा ने लता गुप्ता को आवाज दी कि उसके पीछे से बाकी 4 लोग भी अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। बदमाशों ने घर में घुसने के साथ ही रसोई में काम कर रही लता की कनपट्टी पर तमंचा रख कर कमरा खुलवाया। विरोध करने पर डकैतों ने लता की गला दबाने की कोशिश करते हुए अलमारी खोलने के लिए कहा। बराबर वाले कमरे में बच्चे को सुला रही सोनल गुप्ता ने चीख पुकार की आवाज सुनकर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से पुलिस बुलाओ कहकर बात करना शुरू कर दिया। इसके बाद पड़ोसन सविता को फोन करके डकैतों के घुसने के बारे में बता दिया। पति को भी बंद कमरे से फोन कर दिया। पुलिस को सूचना होने पर डकैत घबराकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। राम गंगा विहार पुलिस चौकी से उप निरीक्षक शशिपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स नवल मारवाहा के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई है। बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी देली की रिपोर्ट। लता गुप्ता, क्या हुआ आज गेट पे से मेड जो है सामान अंदर लेके आ रही थी, कपड़े वगैरह, तो एक आदमी ने मतलब घंटी बजाई तो वो आ गया पीछे, बोला हमें आंटी से बात करनी है। तो मैंने की क्या बात करनी है, तो इतने में से और आ गए, उसने मेड को दबा लिया और फिर बाद में पीछे से मुझे दबा लिया। पिस्तौल थी, बंदूक 5 थे, 4 के पास तो हथियार थे। 5:30 बज रही थी उस समय, मैं थी, बहू बच्चे को सुला रही थी, मेड थी। शोर नहीं मचाया मैंने जो है, मैं जो धक्का मार के यहाँ ले आए, फिर सब सामान वामान इधर उधर फैलाया। फिर बोले, एक और आदमी था वो बोला बदमाश के ये दरवाज़ा हो रहा है, इसे खुलवाते हैं। तो उन्होंने उसे खुलवाने की कोशिश करी, तो मैंने कि भाई खोलना मत दरवाज़ा। मैं काफ़ी तेज़ चीखी, मैं कि जैसे ये बहू सुन ले, तो मैंने कि दरवाज़ा मत खोलना भैया, इन्हें छोड़ दो, छोटे बच्चे हैं, रहने दो। तो बोले कि हम तुम्हें मार देंगे अगर दरवाज़ा नहीं खुलवाया तो। तो मुझे बहुत बुरी तरह से दबा रखा था, मेरा दम घुट रहा था, सांस फूल रही थी बहुत। तो वो एक बोला कि इसे तो ख़त्म कर दो। तो इतने में उसने अंदर चटकाई लगा के, मैंने कि फ़ोन कर दे, तो उसने फ़ोन वोन करे तो ये भाग गए सब। गाड़ नहीं पता कौन सी, अच्छा, देखी नहीं। हाँ तो वो पहले से बंद कर दिया। हाँ, सुला रही थी बच्चों को। तो वैसे दिन में सोते हैं बच्चे, आज इस समय उनके नाना नानी आए हुए थे तो देर से सोए थे बच्चे। आसपास के लोग आ गए। हाँ, फिर आसपास के लोग आ गए, सभी लोग आ गए। फिर कैसे हुई है, मतलब बदमाश कपड़े पहनने से कैसे लग रहा था? पहनने से तो बदमाशी लग रहे थे। हाँ, कितनी उम्र के थे? 30-35 के आसपास हो गई है सब। हाँ, दाढ़ी बड़ी हुई थी एक आध की तो, और बाकी काफ़ी हट्टा कट्टा से थे। क्या काम होता है, लोगों को क्या लगता है आपको? एक्सपोर्ट होता है। नहीं, जेंट्स नहीं। 5:30 नहीं, कुछ नहीं लेते गए। ये 5 मिनट करीब रहे थे, 5-7 मिनट रहे थे। सोनल गुप्ता।
मैं बताऊँ कुछ नहीं, मैं बच्चों के साथ अंदर सो रही थी, मुझे पता नहीं था। वैसे बच्चे दोपहर में सोते हैं, आज मैंने शाम को सुलाया, शायद ये बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद बहुत तेज़ तेज़ किवाड़ी पीटनी शुरू हो गई। मैंने कहा कौन है, बोले कि जल्दी से खोलो वरना हम ना गोली मार देंगे। तो मैंने पहले सब कुछ लॉक कर लिया, एक ही वैसे लॉक करा हुआ था, बट मैंने तीनों लॉक कर लिए फिर, जैसे कहीं गलती से खुल ना जाए। फिर मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं, मैं 5-6 आदमी घुस गए हैं, आप जल्दी आओ, पुलिस को बुलाओ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, फिर मैंने बराबर में नेबर को कॉल किया, तब जाकर वो भाग गए, उन्हें लगा कि पुलिस आ जाएगी शायद, इसलिए भाग गए। 6 बजे की, 5:30 हो रहे होंगे, क्योंकि मैं उस टाइम सो रही थी, मुझे नहीं पता। मैं बच्चों के साथ, मैं मम्मी और मेड बस, और बच्चे थे मेरे साथ बस। हाँ जी, पुलिस आई, वो लोग भाग गए थे बाहर, सब लोग कॉलोनी में सब लोग थे, उन लोगों ने सबने देखा भागते हुए गाड़ी से, होंडा सिटी थी शायद, सब बता रहे हैं, तो शायद उसी से भागे होंगे। नहीं, कोई सामान नहीं गया, वो लोग भाग गए। देखिए, लगभग 5:30 बजे की घटना है। उमेश चंद गुप्ता का निवास है 2062 शिव मंदिर के पास में, TDICT। तो वो घर पे नहीं थे, उनकी वाइफ थी और उनकी बहू और बेटे थे। ये लगभग पाँच आदमी बता रहे हैं, होंडा सिटी गाड़ी थी बिना नंबर की, उससे लोग आए और इन्होंने खटखटाया और उसमें, और महिला ने जो उनकी नौकरानी थी उसने दरवाज़ा खोला है और उसके बाद वो चली गई। तो ये लोग लगभग 2-3 मिनट ये अंदर गए, इन्होंने पूछा कि भाई कहाँ बक्से हैं, आपका सामान कहाँ है, पैसे कहाँ, इस तरीके से। उनकी पत्नी है वो चिल्लाने लगी तेज़ से कि फ़ोन करो। तो इस अब बस इतना जब वो चिल्लाने लगी तो ये लोग फिर लौट के अपना घर से बाहर निकल चले गए। कुल 2-3 मिनट ये लोग रुके हैं घर के अंदर, कोई सामान नहीं ले गए हैं। तो सूचना पुलिस को मिली तो हम लोग, पुलिस गई है वहाँ पे मौके पे, और हम लोगों ने उनका मुकदमा लिख दिया है थाना सिविल लाइन्स में, लूट डकैती का प्रयास, धारा 398 में मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत कर दिया है। क्या कुछ पुलिस को सुराग मिल पाए? नहीं अभी तो हम लोगों ने गए थे मौके पे, अब हम लोग देखेंगे, कुछ कैमरे वगैरह हम लोग चेक किए हैं, उसमें 4-5 आदमी दिख रहे हैं, बाकी उनकी पहचान की जाएगी और हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।